स्वागत है आप सभी का इमेजिका में। और यहाँ का एंट्री टिकट क्या है और इमेजिका के सारे राइड्स में आपको घुमाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इमेजिका में एंट्री करते ही आपको सामने बहुत बड़ा पार्किंग एरिया नजर आएगा। यहाँ पर 4-व्हीलर का 100 रुपीज चार्ज है पार्किंग का, और 2-व्हीलर का 50 रुपीज है, और बस का 300 रुपीज है। इमेजिका में एंट्री करते ही आपको सामने टिकट काउंटर नजर आता है, और टिकट 2000 रुपीज का था, लेकिन सीजन वाइज टिकट चेंज होते रहता है। और थीम पार्क में जाने से पहले आने वाले टूरिस्ट का वेलकम करने के लिए डांस प्रोग्राम भी होता है, जो बहुत ही एंजॉयबल होता है। थीम पार्क में एंट्री करने के बाद मैं निकल पड़ा सबसे पहले गोल्ड रश राइड करने के लिए। गोल्ड रश राइड करने के बाद अभी हम आ चुके हैं स्क्रीम मशीन राइड पर। ये वाली राइड इमेजिका की सबसे मजेदार राइड है। इस राइड पर जाकर आने के बाद आपको फीलिंग आएगी कि डर के आगे जीत है। स्क्रीम मशीन के सामने ही डेयर टू ड्रॉप राइड बने हुए। इस राइड में आपको जी फोर्स का सामना करना पड़ता है। ये राइड हाइड्रोलिक से चलती है, और ये वाली राइड ज़्यादा डरावनी नहीं है, तो ये कोई भी कर सकता है। D2 राइड करने के बाद अभी हम आ चुके हैं इमेजिका के सबसे फेमस, सबसे एडवेंचरस और सबसे डरावनी राइड पर, जिसका नाम है रोलर कोस्टर, या इसे नाइट्रो राइड भी कहा जाता है। इसी राइड को तो देखने के लिए सभी टूरिस्ट इमेजिका में आते हैं। आउटडोर की सभी राइड्स करने के बाद मैं निकल पड़ा इंडोर की राइड्स करने के लिए, और रास्ते से जाते वक्त मुझे ये एलिफेंट वाली राइड नजर आई। इस राइड में छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई बैठ सकता है, और ये राइड बहुत ही मजेदार है। ये वाली राइड मिस मत करना।
अभी हम आ चुके हैं इंडोर एक्टिविटी वाली राइड पर। इस राइड का नाम है अली बाबा 40 चोर। अली बाबा के इस राइड पर आपको बग्गी में बैठाया जाता है और आपके पास जो गन होती है उसे आपको 40 चोरों को मारना होता है। और ये पूरा गेम 10 से 15 मिनट का होता है, जो बहुत ही एडवेंचरस होता है, और जो ज्यादा स्कोर बनाता है वो इसमें विनर हो जाता है। अभी हम आ चुके हैं इमेजिका के सबसे फेमस मिस्टर इंडिया राइड पर। ये वाली राइड भी इंडोर में होती है। ये वाली राइड मिस्टर इंडिया मूवी से इंस्पायर्ड है और इस राइड में आपको 5D स्क्रीन पे वर्चुअल टूर कराया जाता है और इसमें आपको मोगैम्बो से छोटे बच्चे को बचाना होता है। ये राइड में सच में बहुत ही थ्रिलिंग है, ये वाली राइड आपको जरूर करना चाहिए। मिस्टर इंडिया राइड के सामने ही मुझे ये क्रेजी कप वाली राइड नजर आई और इसमें भी छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई बैठ सकता है। अभी हम आ चुके हैं सलीमगढ़ राइड पर। इस राइड के अंदर आपको टॉर्चर रूम से लेकर हॉरर तक बहुत ही थ्रिलिंग से भरा हुआ एक्सपीरियंस होता है और कुछ लोग इस राइड में सच में ही डर जाते हैं। अभी हमें इमेजिका की सबसे फेमस और इंडोर राइड में सभी टूरिस्ट की फेवरेट राइड राजा सोरस द रिवर एडवेंचर में। और इस राइड में आपको डायनासोर की दुनिया में लेकर जाया जाता है और इस राइड का एक्सपीरियंस थ्रिलिंग से और एडवेंचर से भरा हुआ है। इमेजिका में आकर ये वाली राइड कोई भी मिस नहीं करता। राजा सोरस राइड करने के बाद उसके पास में बिल्कुल डीप स्पेस राइड बना हुआ है। इस राइड में आपको स्पेस में लेकर जाया जाता है और इस राइड में आपको ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है। डीप स्पेस राइड के बिल्कुल पास में ही आई फॉर इंडिया राइड बने हुए। इस राइड में आपको चेयर पर बिठाया जाता है और रैम से हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर लिफ्ट किया जाता है और बड़े से 5D स्क्रीन पे पूरे भारत के जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसका आपको हेलीकॉप्टर टूर करवाया जाता है और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होता है। इमेजिका आने के बाद ये राइड तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी हम सेव द पीरियड्स इस राइड पर है और इस राइड में आपको बोट में बैठकर एक दूसरे के ऊपर गन से पानी से मारना होता है और ये वाली राइड स्पेशली छोटे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, लेकिन इस राइड में छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई जा सकता है। इमेजिका में और भी बहुत सारे राइड्स बने हुए। अगर आपको एक ही दिन में इमेजिका के सारे राइड्स पर जाना है तो मॉर्निंग में आपको जल्दी आना होगा और इमेजिका का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। इमेजिका में शाम होते ही इवनिंग को 5:30 को इमेजिका की फेमस परेड भी होती है।
अगर आप इमेजिका आते हो और ये परेड मिस कर देते हो तो इमेजिका का टूर आपका अधूरा रह जाएगा।